देखिए, अभी जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उनका चयन राज्यसभा में जो सीट खाली हो रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में किया है। ये ठीक है, मैं उनको बधाई देता हूँ, लेकिन जिस तरह से विश्वविद्यालय से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि वो बैक डेट में ऑर्डर कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं, और जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं उन्हें जो है लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नियुक्तियों को लेकर जो गड़बड़ी विश्वविद्यालय में हुई है, ये मामला हम छोड़ने वाले नहीं। इस मामले को भी हम आगे आने वाले वक्त में पुख्ता प्रमाणों के साथ, सबूतों के साथ पेश करेंगे, जनता के बीच में लाएंगे, और आने वाले समय में जो भी उपयुक्त कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। मेरा तो यही निवेदन है वाइस चांसलर महोदय से कि अभी वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जब तक वो सांसद नहीं बनते तब तक वो विश्वविद्यालय में इस तरह का कोई भी ऑर्डर ना करें, इस तरह का कोई भी जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो ऑर्डर्स करें जिससे आने वाले वक्त में जो है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े। निश्चित तौर पे पहले भी विश्वविद्यालय में जो हुआ है, और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये स्पष्ट आरोप है कि विश्वविद्यालय को जो है एक उन्होंने संघ का अड्डा बनाया, संघ के इशारे पे वो करते रहे। अब ठीक है, वो सांसद बनेंगे, लेकिन इस विद्यालय में जो उनकी मनमर्जी होगी वो करेंगे। बहुत कुछ हुआ है इस विश्वविद्यालय में, आने वाले वक्त में हम इन सब मामलों को उठाएंगे, और अगर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, जो निश्चित तौर पे बनेगी, हम इन पूरे मामलों की जो है जांच करेंगे। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल, वो तो एक तानाशाह की तरह काम करें, हो सकता है उनको बड़े नेताओं का आशीर्वाद हो, लेकिन इसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती, और समय एक सा नहीं रहता, ये मैं कहना चाहता हूँ। आज चाहे विश्वविद्यालय के हमारे जो टीचर्स हैं उनके साथ जो है अन्याय हो रहा है, हमारे जो कर्मचारी हैं जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से संबंधित रखते हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, हमारे जो छात्र हैं एनएसयू के छात्र हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और ये ऐसा चलने वाला नहीं है। और जब तक वो मनोनीत नहीं होते, मेरा ये मानना है कि उनको विश्वविद्यालय में इस तरह का कोई माहौल नहीं बनाना है जिसे आने वाले समय में जो इसकी कीमत चुकानी पड़े।